सरस्वती को नमन, माँ भारती को नमन, वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर पधारे गणमान्य ग्रामवासी, मंचासीन महानुभाव, युवा, बुजुर्ग, मेरे स्टाफ के साथी, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस महान दिवस का अवसर हमें हजारों की संख्या में भारत माता के वीर लाडलों ने अपना खून बहाकर के और एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद, लगभग 200 सालों तक उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर करके और बहुत सारी भीषण यातनाएं सहन करके ये दिन जो हमें आज मनाने के रूप में अवसर प्राप्त हुआ है, इस दिन तक, इस अवसर तक वो पहुंचे थे, जिसकी एकता, जिसकी अखंडता और उसके गौरव को बनाए रखने के लिए हम सभी भारतीय नागरिकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इसे संजोए रखें, हम हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और हम अपने कर्तव्यों को समझें। हम हमेशा हर व्यक्ति का एक एक जितने अधिकार होते हैं उतनी ही उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक स्वर्णिम भारत, एक स्वर्णिम समाज के निर्माण के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और अच्छी मेहनत करें और हमेशा एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहें। इन सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके अपने इस सार्वजनिक प्रोग्राम में पधार करके बच्चों का मनोबल बढ़ाया और इस कार्य में आपने रुचि ली। इसी तरह से आप बार बार विद्यालय में पधारें। ये विद्यालय सिर्फ स्टाफ का ही नहीं है, सबसे पहले ये गांव का है, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है और जब हम सभी एकजुट होकर के कार्य योजना बना करके और काम करते हैं तभी उन्नति विद्यालय की होती है। जैसा कि विद्यालय अभी छोटा सा विद्यालय था, ये 8वीं तक का, और पिछले ही कुछ दिनों में 2 साल पहले ही विद्यालय क्रमोन्नत होकर के 8 क्लास से सीधा 12 क्लास तक पहुंच गया है। तो कुछ ही दिनों में, यानी साल भर में, आपको इसका स्वरूप बहुत ही बदला हुआ मिलेगा। लेकिन सरकार का काम है कि विद्यालय को क्रमोन्नत करें, स्टाफ लगाए, मगर आजकल की जो कार्य नीति है गवर्नमेंट की, वो सिर्फ वाहवाही की है, वो बस क्रमोन्नत कर देते हैं विद्यालय लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो उस कार्य के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो भी प्राप्त हुआ है, ये सीनियर विद्यालय प्राप्त हुआ है, इसके संसाधनों के बारे में बैठ करके, जैसे कि मनोज जी हमेशा प्रगति प्रयत्नशील रहते हैं, आपको बताया है कि भाई छाया की सबसे बड़ी कमी है बच्चों के लिए, सबसे पहले बैठने के लिए पंखे, फर्नीचर, छाया, ये सब संसाधन होंगे तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे और तभी स्टाफ पढ़ा पाएगा। जब बैठने के लिए जगह ही नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो स्टाफ क्या पढ़ाएगा। तो इसके लिए हम बैठ करके, जैसे भी हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है, या फिर अपने जन सहयोग से जैसे भी हो पाता है, उसकी एक कार्यकारिणी बैठक ले और उसके बाद में उसकी कार्य योजना बना करके इस कार्य को अंजाम दे। ये थोड़े ही दिन का टाइम है, साल 2 साल की मेहनत के बाद में यहाँ पर खूब सारे संसाधन हो जाएंगे, तो हमें उसके बाद में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नया नया घर बसा है,
तो नया नया घर जैसे ही हम घर में भी मकान बनाते हैं, पहले छोटे से घर में रहते हैं, फिर एक बड़ा मकान बनाते हैं, तो उसमें हम मकान बनने के बाद में ये सोचते हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, तो उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष हमें, थोड़ा सा प्रयत्न हमें करना पड़ता है। और साल दो साल में वही घर, वही हमारा विद्यालय है, वो एक सुंदर स्वरूप में उभर के सामने आता है। तो हमें इसके लिए साल दो साल बहुत अच्छी रुचि दिखानी है, कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, थोड़ा थोड़ा सहयोग करें और थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो ये कार्य बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे कि मनोज जी ने बताया, उसी तरह से मैं सीकर से हूँ और सीकर में भी ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं।